हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MDU हेल्प में। जिन स्टूडेंट की UMC हियरिंग हो चुकी है उनका रिजल्ट जारी किया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन से सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं UMC केसेज डिसीजन के सेक्शन में हम आ चुके हैं। जिन स्टूडेंट की UMC हियरिंग 18 अप्रैल को, 12 अप्रैल को सुबह 10 बजे, दोपहर 2:30 बजे, 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे, 13 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे, 11 अप्रैल को सुबह 10 बजे, 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे, जिन भी स्टूडेंट की UMC हियरिंग हुई थी, जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम के दौरान केस बन गया था उनकी UMC हियरिंग का रिजल्ट आ चुका है। सातों ही लिस्ट को डाउनलोड करके देखते हैं कौन कौन से कोर्स और कौन कौन से सेमेस्टर की UMC हियरिंग का रिजल्ट आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे MDU से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, पहली लिस्ट को मैंने डाउनलोड कर लिया है। BCOM के जो स्टूडेंट है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर या ईयर के, MA के जो स्टूडेंट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेमेस्टर या ईयर के, जिनकी UMC हियरिंग 18 अप्रैल को सुबह 10 बजे हुई थी, उनका जो डिसीजन है, जो रिजल्ट है वो आ चुका है। यहाँ पर आप अपने रोल नंबर के आगे अपना जो डिसीजन है वो देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर दिया है, उसके बाद सेमेस्टर या ईयर, सब्जेक्ट नेम देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर ID, डिसीजन। ठीक है दोस्तों, पेपर कैंसल्ड, एंटायर एग्ज़ाम कैंसिल, यहाँ पर आप डिसीजन देख सकते हैं, एंटायर एग्ज़ाम कैंसिल प्लस 1 ईयर। सबसे पहले BCOM के जो स्टूडेंट हैं उनके रोल नंबर दिए गए हैं। BCOM के बाद में जो अगले जो रोल नंबर है वो कौन से कोर्स के हैं, MA के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर या ईयर के जो स्टूडेंट है वो अपना रोल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में जो सेकंड लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। BA के जो फर्स्ट, सेकंड सेमेस्टर या ईयर के जो स्टूडेंट है, जिनकी UMC हियरिंग 12 अप्रैल को सुबह 10 बजे हुई थी, उनकी जो UMC हियरिंग का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप डिसीजन देख सकते हैं, सबसे पहले रोल नंबर, सेमेस्टर या ईयर, सब्जेक्ट नेम, ठीक है दोस्तों, उसके बाद है डिसीजन, एंटायर एग्ज़ाम कैंसिल डिसीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेपर कैंसिल। लगभग 3 तरह के डिसीजन होते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसके बारे में वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताऊँगा इन सब का क्या मीनिंग होता है और कहाँ से आप डिसीजन का पता कर सकते हैं। ये आपकी थर्ड लिस्ट है। BSc के जो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, जिनकी UMC हियरिंग 12 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे हुई थी, उनका रिजल्ट भी आ चुका है UMC हियरिंग का। यहाँ पर आप डिसीजन देख सकते हैं, सबसे पहले रोल नंबर है, सेमेस्टर या ईयर, सब्जेक्ट नेम, क्वेश्चन पेपर ID, डिसीजन। ये आपका डिसीजन है, डिसीजन के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। इसके बाद में जो BSc के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, साथ में MA के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, MSc के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर या ईयर के जो स्टूडेंट है, जिनकी UMC रिंग 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे हुई थी, उनका डिसीजन भी आ चुका है, UMC रिंग का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका जो डिसीजन है आप रोल नंबर के आगे देख सकते हैं। सबसे पहले BSc के जो स्टूडेंट है वो अपना रोल नंबर देख सकते हैं। BSc के बाद में MA के जो स्टूडेंट है वो अपना रोल नंबर के आगे जो डिसीजन है वो देख सकते हैं कि आपका डिसीजन रहा। MA के बाद में जो स्टूडेंट है अपना जो रोल नंबर है वो देख सकते हैं, जो आपका रोल नंबर है उसके आगे ही आपका डिसीजन है वो दिया गया है। MA के बाद में MSc के जो स्टूडेंट है वो अपना रोल नंबर के आगे जो डिसीजन है देख सकते हैं, UMC हियरिंग का रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद में BA के जो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर या ईयर के जो स्टूडेंट है, साथ में MBA के फर्स्ट और सेवन्थ सेमेस्टर के, BLLB के फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ सेमेस्टर या ईयर के जो स्टूडेंट है, जिनकी UMC हियरिंग 13 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे हुई थी, उनका जो रिजल्ट है आ चुका है। यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं अपने रोल नंबर के आगे क्या आपका डिसीजन रहा। इसके बाद में जो BA के जो स्टूडेंट है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, जिनकी UMC हियरिंग 11 अप्रैल को सुबह 10 बजे थी, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, रोल नंबर के आगे, सब्जेक्ट के आगे, क्वेश्चन पेपर ID आपकी क्या थी, क्या आपका डिसीजन रहा, डिसीजन का क्या मीनिंग होता है इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये आपकी 5 पेज की लिस्ट रहेगी। इस लिस्ट के अंदर आप अपना रोल नंबर चेक करके अपना जो डिसीजन है वो देख सकते हैं। इसके बाद में जो BA के जो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, जिनकी UMC रिंग 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे थी, उनका रिजल्ट आ चुका है। आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं UMC हियरिंग का। 5 पेज की आपकी लिस्ट रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन सभी लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सीधे सभी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं UMC डिसीजन का क्या मीनिंग होता है। जो आपके 3 तरह के डिसीजन होते हैं, PC, EEC और BOD।
अगर आपको डिसीजन के बारे में पता करना है बीओडी पीसीईसी का क्या मीनिंग होता है, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर एमडीयू यूएमसी रिजल्ट मीनिंग लिखकर आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने इस तरह की वीडियो आ जाएगी। यहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं बीओडी पीसीईसी ईईसी प्लस थर्ड ईयर का मीनिंग क्या होता है। एम डी यू एम सी के डिसीजन को आप आसान भाषा में यहाँ पर समझ सकते हैं। 6 मिनट की आपकी ये वीडियो रहेगी, एम डी यू हेल्प यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। एम डी यू एम सी रिजल्ट मीनिंग आपको सर्च करना है, या फिर आप एम डी यू हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपको जाने के बाद क्या करना है, वीडियोज के सेक्शन में आना। वीडियोज के सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी एम डी यू एम सी रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आपको देख लेना है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया बी ओ डी पी सी ईईसी का क्या मीनिंग होता है। इस वीडियो में आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। इस वीडियो का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आई बटन में भी आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के एंड स्क्रीन में भी ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधे वीडियो को देख सकते हैं। यूएमसी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।